नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की भूमि ने अपने निर्माण से लेकर अब तक कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे देखे, पर उत्तराखंड की सियासत कभी इतनी स्थिर ना हो पाई थी जितनी आज है। क्योंकि भले ही तकदीर को लकीरें मिलाने में समय लग गया हो, पर आखिरकार वो लकीरें मिल चुकी हैं। आखिरकार प्रदेश को वो मुख्यमंत्री मिल चुका है जिसके इंतजार में उत्तराखंड के सिंहासन ने आज तक किसी को खुद पर ज्यादा समय तक नहीं टिकने दिया। कई मुख्यमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री गए, और लंबे इंतजार के बाद अब देवभूमि के सिंहासन को वो मुखिया मिल चुका है जिसे प्रदेश की जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में जन्मे युवा हृदय सम्राट पुष्कर सिंह धामी आज दिन रात एक कर जनता का सरोकार करने में जुटे हुए हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कोरोना काल हो, कोई भी कैसी भी समस्या हो, मुख्यमंत्री धामी हर समय हर सुख में हर दुख में उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ी नजर आते हैं। उत्तराखंड की भूमि को ऐसा मुख्यमंत्री मिलना, देवभूमि के सिंहासन को ऐसा शासक मिलना और उत्तराखंड की जनता को ऐसा मुखिया मिलना जो हर घड़ी उनकी सेवा में तत्पर है, इसी हम किस्मत का चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। तो आइए आज आपको आपके सीएम के सफरनामे से आपका परिचय कराते हैं। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ओएसडी से लेकर सीएम बनने तक आरएसएस से 33 साल पुराना नाता, मुश्किल राहों से गुजर कर मिला ताज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक यशस्वी नेता जो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहां तक का सफर आसान नहीं था। पुरजोर मेहनत, संगठन से जुड़ाव सालों से रहा। कभी सीएम के ओएसडी थे पुष्कर सिंह धामी, अब खुद मुख्यमंत्री हैं। आरएसएस से 33 साल पुराना नाता है। छात्र राजनीति से जुड़े रहे धामी महाराष्ट्र के राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के करीबी रहे हैं। माना तो ये भी जाता है कि कोश्यारी उन्हें उंगली पकड़कर राजनीति में लाए थे। चुनाव से पहले उत्तराखंड में 4 महीने के भीतर तीसरा सीएम चुना गया जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का प्रारंभिक जीवन, यूं तो पुष्कर सिंह धामी के अंदर नेतृत्व करने का गुण बचपन से ही था, लेकिन विवाह बंधन के बाद उनका सियासी सफर चमकता चला गया। पहले विधायक बने और अब सीएम। स्नातक करने के दौरान उनका ये बीज तब और ज्यादा अंकुरित होने लगा जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वसेवक संघ की शाखा को ज्वाइन कर लिया। संघ शिक्षा वर्ग को करने के बाद वो सामाजिक कार्य में और तन्मयता से जुट गए। उनकी विनम्रता और कुशल व्यवहार और समझदारी को देख महाराष्ट्र के राज्यपाल और उस समय यहाँ संघ के प्रचारक की भूमिका में रहे भगत सिंह कोश्यारी काफी प्रभावित हुए। उनका जब सहारा मिला, पुष्कर सिंह धामी में और पंख लग गए। इस बीच उन्होंने कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सैनिक पुत्र होने के नाते पुष्कर सिंह धामी ने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वो ऐसे क्षेत्र में काम करेंगे जिसमें सेवा भाव और देशभक्ति का पक्ष हो। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्होंने सरकारी स्कूलों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। 3 बहन का इकलौता भाई होने के नाते उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। देश और प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक का जज्बा लेकर बचपन से वो स्काउट गाइड, एनसीसी और एनएसएस जैसी शाखाओं में प्रतिभाग और अपना योगदान देते रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को एकजुट करके उन्होंने शैक्षणिक हितों की लड़ाई लड़ी और उनके अधिकारों के लिए काम किया। साथ ही शिक्षा व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इनकी माता वीष्णा देवी एक धर्मपरायण
मृदुभाषी और अपने परिवार के प्रति समर्पित घरेलू महिला थी। धामी को बचपन से ही स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि शाखाओं में प्रतिभाग और सामाजिक कार्य को करने की भावना रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को एकजुट करके निरंतर संघर्षशील रहते हुए उनके शैक्षणिक हितों की लड़ाई लड़ते हुए उनके अधिकार दिलाए गए तथा शिक्षा व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। 6 सितंबर 1975 को जन्म लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने साल 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई अहम पदों पर रहकर काम किया। जैसे जैसे धामी का कदम बढ़ता गया, उनके इरादे और मजबूत होते गए। एबीवीपी के बाद वो भाजपा से जुड़ गए। पुष्कर सिंह धामी ने साल 2002 में पूर्व सीएम के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में काम किया। 2002 से 2008 तक पूरे प्रदेश का भ्रमण किया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 2010 से 2012 तक शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रहे। वो भारतीय जन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2012 में पहली बार पहुंचे विधानसभा। 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधायक चुने गए। उनकी आवाज और भी ज्यादा बुलंद होती गई। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार के समक्ष वो लगातार मुद्दों को मजबूती से उठाते गए। सीएम धामी का राजनीतिक जीवन। सन 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। इसी दौरान अलग अलग दायित्वों के साथ साथ प्रदेश मंत्री के तौर पर लखनऊ में हुए अखिल भारतीय विद्या परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक और संचालन कर प्रमुख भूमिका निभाई। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को नजदीक से समझते हुए क्षेत्रीय समस्याओं की समझ और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में 2002 तक कार्य किया। दो बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सन 2002 से 2008 तक 6 सालों तक लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह भ्रमण कर युवा बेरोजगार को संगठित करके अनेक विशाल रैलियों और सम्मेलन आयोजित किए गए। लगातार दो बार से हैं विधायक। खटीमा से वो लगातार दो बार 2012 से अब तक विधायक हैं। उनका कहना है कि सीएम के रूप में क्षेत्र और राज्य की जनता से मेरा यही निवेदन है, अपनी समस्याओं को समय समय पर अवगत कराते रहें, जिससे मैं उन्हें विधानसभा में सरकार के सामने प्रमुखता से उठाते हुए उनका निराकरण आपके सहयोग से समय पर करा सकूं। मेरे द्वार सदैव आपके स्वागत के लिए खुले हैं। सभी लोग, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र में जाति धर्म के विचार से ऊपर उठकर सामाजिक उत्थान के लिए मिलजुल कर कार्य करें। कई चेहरों को पीछे छोड़ बने नए सीएम। जब से उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलने की चर्चाएं शुरू हुई थी, तब से ही कई नाम मुख्यमंत्री पद के रेस में आगे थे। पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी नामों को पीछे छोड़ दिया था। तीरथ सिंह रावत की इस्तीफा देने के बाद सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत कई नाम इस रेस में आगे माने जा रहे थे। हालांकि जब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया तो उसमें पुष्कर सिंह धामी ने बाजी मार ली थी। बड़े पैकेज से बड़े फायदे। कोविड-19 ने उत्तराखंड पर्यटन की कमर तोड़ी तो धामी ने सेक्टर के करीब 1.64 लाख लोगों को राहत देते हुए 200 करोड़ का पैकेज मंजूर किया। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में प्रोत्साहन और राहत के लिए 205 करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया, जिससे करीब 4.25 लाख लोग सीधे लाभ पाएंगे। इसी पैकेज में आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की राशि मिलेगी। ये एक बड़ा वर्ग है। पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजेस के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई। सीएम धामी ने कई बड़े बदलाव किए। उत्तराखंड में नेतृत्व में बदलाव करते हुए बीजेपी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही सीएम धामी ने ताबड़तोड़ बैटिंग भी शुरू कर दी। पहले ही झटके में नौकरशाही में बदलाव करते हुए मुख्य सचिव को हटा दिया। इसके बाद शासन स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया गया।
कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई, कुछ के पर कुतरे गए तो कुछ की जिम्मेदारियां बढ़ाई गई। सीएम धामी ने खुद के विभाग को हल्का करते हुए दूसरे मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि 100 दिनों का वक्त कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद सीएम धामी ने जनहित से जुड़े कई फैसले लिए। 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती का किया ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया, भर्ती प्रक्रिया शुरू की। कोविड से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ का पैकेज जारी किया। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ का पैकेज। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारने की छिड़ी मुहिम। भाजपा सरकार के इस कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग को अलग से मंत्री मिला। प्रदेश के युवाओं को भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क में मार्च 2022 तक छूट दे दी गई। देवस्थानम बोर्ड पर चल रही तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को शांत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई। राज्य के मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड को बढ़ाकर 17,000 किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी घोषणा की जा रही है उनको धरातल पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जमकर तारीफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी को 2022 के चुनाव में जाने से पहले सरकार चलाने के लिए बहुत अधिक वक्त न मिला हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ कर उन्हें युवा, ऊर्जावान और साहित बताते हुए अपना मित्र तक बताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें 2020 का धाकड़ बल्लेबाज बताया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल कहते हैं कि सीएम धामी के ऊर्जावान नेतृत्व में सरकार ने काफी बेहतर काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े फैसले। प्रदेश की बागडोर संभालते अफसरशाही में बदलाव, सीएस बदले, शासन स्तर पर बड़ा फेरबदल। भू कानून की उठ रही मांग के मद्देनजर अध्ययन के लिए समिति का गठन। प्रदेश में डेमोग्राफिक परिवर्तन के मद्देनजर सभी जिलों में जांच। देवस्थानम बोर्ड के मामले को सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। प्रदेश में 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। कोविड के चलते प्रभावित परीक्षा के चलते आयु सीमा में एक वर्ष छूट। बेरोजगारों में भर्ती परीक्षा आवेदन शुल्क पर छूट। मार्च 2022 तक कोई आवेदन शुल्क नहीं। मलिन बस्तियों को अतिक्रमण की कार्रवाई से बचाने के लिए राहत की समय सीमा बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।